गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी आप सभी को। मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और दोस्तों ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस व्लॉग की, इस वीडियो की मुझे बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोगों की, ठीक है। आप लोग काफी टाइम से बोल रहे थे दीदू प्लीज हेयर टिप्स पे बनाओ, लॉन्ग हेयर टिप्स पे बनाओ कुछ। तो मैंने सोचा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कल के व्लॉग में मैं सामान लेके आई इसके लिए, तो फिर आज मैं इसका आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे करके ये लगाना है। बल्कि मैं खुद अपने बालों पे ये सब यूज करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग ये ना लगे कि सिमू ने झूठ बोला है, और पहले खुद ट्राई करना चाहिए तब जाके पब्लिक को, है ना। तो मैं वही करूंगी क्योंकि मैंने पहले भी ये लगा रखा है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। और ये वैसे भी दोस्तों नेचुरल चीजें हैं, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मतलब होता है ना कि कई नेचुरल चीजें भी कई लोगों को सूट नहीं करती। जैसे कि मैंने पिछले एक दिन बताया था कि मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता, व्लॉग में बताया था मेरे दाने निकल आते हैं। तो वैसे ही क्या पता किसी को ये भी सूट ना करे, तो इसलिए पहले थोड़ा सा लगा के देखिए, अगर आपको सूट होता है तो फिर ही इसे यूज करना, वरना बिल्कुल मत करना। मैं बिल्कुल नहीं कहती आपको कि आपको करना ही करना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पहले मेरे इतने लंबे बाल नहीं थे, ये दिख भी नहीं रहे वीडियो में पूरे देखो, और अब आप लोग देख सकते हो मेरे काफी लंबे बाल हैं। अब आप लोग बोलोगे कि आप इस ट्रिक के बारे में कहाँ से जानते हो, तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बहुत पहले भी एक वीडियो इस पर हेयर टिप्स पे पहले बता दिया है, लेकिन आप लोगों ने दोबारा उत्साहित जो नए सब्सक्राइबर जुड़े उन्होंने बोला होगा कि हेयर टिप्स पे बताओ, तो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में बता रखा है कि मैं पहले कंपनी में जॉब करती थी, तो वहां जो एक दीदी थी उनके बाल काफी लंबे थे। इतने लंबे होते हैं ना कि जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं तो हमें भी लगता है यार कि इन्होंने कुछ तो लगाया होगा। हमें इनका रूटीन जानना है कि इनका बालों का रूटीन क्या है, कैसा शैम्पू लगाते हैं, कौन सा साबुन लगाते, कौन सा तेल लगाते। होता है, सबको होता है, वो नेचुरल होता है हम लोगों के अंदर, है ना। जैसा होता है ना कि कोई गोरा सा होता है तो हमें लगता है कि पता नहीं कौन सा फेस वॉश लगाता है, कौन सी क्रीम लगाते होंगे कि जिससे ये इतने गोरे है। होता है ना, सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी आपके अंदर भी। तो वही चीज होता है, कुछ कुछ चीजें नेचुरल होती है हमारे। वैसे मैं बताऊं तो हमारे बाल ना जेनेटिक ही है। मेरी नानी के बाल बहुत लंबे थे, जब मेरी नानी खत्म हुई तब तक भी मेरी नानी बाल इतने लंबे थे, और मेरी माँ के बाल भी बहुत लंबे थे सच में। अब तो नहीं है मम्मी के बाल, पर हाँ नानी के बाल तो मरने तक ही लंबे थे, आधे सफेद आधे लाल, मतलब वैसे काले। तो माँ के बाल तो नहीं है मेरे, अब माँ बोलती है झड़ गए। तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है उनके बाल भी बहुत लंबे और उनके बाल बहुत काले घने हैं, और जो दूसरी नंबर वाली है उनके थोड़े बाल हल्के हैं लेकिन उनके बाल भी बहुत लंबे हैं, और मेरे बाल तो आप लोग देख ही रहे हो ऐसे हैं। तो मैंने स्ट्रेट करवा रखे हैं, स्मूथनिंग करवा रखी है, मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर रखा अपने बालों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो हमारे जेनेटिक ही है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जानने की उत्सुकता रहती है कि हाँ कुछ बता दो। तो ऐसे ही मैंने भी उनसे पूछा था, तब मैंने बाल नहीं बढ़ाए थे अपने, और मैंने कंपनी में दीदी से पूछा था दीदी आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, मुझे भी करने हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे थे। था मैं फोटो देख थंबनेल में देखा होगा ना आपने, तो मेरे बाल सच में बहुत छोटे थे, और मैंने दीदी से पूछा था उनके काफी लंबे बाल थे कि दीदी बता दो ना प्लीज। तो दीदी ने बोला था कि एक उपाय बताऊंगी लेकिन बहुत कठिन है, अगर कर पाओ तो ठीक फायदा पक्का होगा, अगर नहीं कर पाओगी तो नहीं होगा, वो तो नॉर्मल सी बात है, जब कुछ करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, होता है ना। तो फिर मैंने दीदी से बोला कि नहीं नहीं मैं तो करूंगी, मतलब होता है ना किसी चीज को करने की एक्साइटमेंट कि हाँ नहीं मुझे तो करना है। तो फिर दीदी ने बोला ठीक है, तब उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या यूज करना है, कैसे कैसे करना है, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है दोस्तों। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, कुछ भी स्किप मत करना वरना आपके बाल नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं सारी जड़ी बूटियां ले आई, आप लोग देख सकते हो, और ये फूल सिर्फ 100 पीस के लिए रखे हैं मैंने, इनका कोई काम नहीं है। वैसे डाल भी सकते हो, अच्छा होता है गुलाब तो फेस के लिए वैसे भी ना, पर आपको फेस पे नहीं लगाना है, बालों पे लगाना, तो इसका कोई वो नहीं है, ये सिर्फ थंबनेल के लिए था। बाकी कड़वा तेल मैं आपके लिए जरूर रिकमेंड करूंगी, क्योंकि कड़वा तेल सबसे अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, जहां तक मुझे आइडिया है, मैंने बचपन से कड़वा तेल ही लगाया। बाकी इन्हें मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो चलो देखते हैं कि कैसे कैसे इसे हमें उबालना है। सबसे पहले हमें चाहिए एक बर्तन, क्या चाहिए, भांग, ठीक है। तो मैं लेती हूँ ये स्टील वाली पतीली, और इसमें हमें लेना है पानी, ये रहा दोस्तों हमें इतना इसमें पानी लेना है, और ये चढ़ा देना है गैस पे।
ये देखो दोस्तों, अब हमें ये सारी चीजें इसमें डाल देनी है दोस्तों ऐसे। ये दोस्तों डाल दिया मैंने इसे उबालने के लिए, और ये डाल दिया इसके ऊपर ढक्कन। अब ये पकता रहेगा, उस्ता रहेगा दोस्तों। दोस्तों जब तक ये बॉईल होता है तब तक मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। मैंने जैसे कि बताया कि ये जरूरी नहीं कि हर किसी को सूट हो, वैसे तो नेचुरल चीज है, लेकिन फिर भी है ना, अलग अलग स्किन होता है अपना अपना, किसी को सूट करता किसी को नहीं। तो उसी तरीके से अगर किसी को बाई चांस ये सूट नहीं होता तो वो प्याज का रस लगा सकते हैं। प्याज का रस भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बस आपको उसकी स्मेल बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए बस, है ना। तो फिर वो भी बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए, वो लगाना। और एक बात, आजकल क्या बाल झड़ने का सीजन चल रहा है, मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे दोस्तों। अगर आप लोगों के भी झड़ रहे तो ये मत सोचना कि आपके ही आपके, मेरे भी बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे, तो शायद सीजन ही है बाल झड़ने का, है ना। तो अभी उसे पकने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको पूरा पेस्ट वेस्ट बना बना के दिखा दूंगी, ठीक है। तो दोस्तों 5-6 मिनट हो गए हैं, चलो चल के देखते हैं क्या क्या हालचाल है। यहाँ धुआंधारी तो हो रहा है, देखते क्या हुआ। तो दोस्तों खोलती हूँ मैं इसका, क्या हाल हो रहा है। ये देखो दोस्तों, ये ऐसा हो चुका है कुछ, अरे मुझे लग रहा है ढंग से नहीं उबले अभी, अभी और उबालना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो पूरा हो चुका है ठीक ढंग से। अब मैं इसे निकाल देती हूँ, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। दोस्तों जैसे कि ये अब ठंडा हो चुका है, तो ये जो रीठा है, मैं बता दूँ इसमें 3 चीजें हैं, मैंने पहले भी बताई आपको लेते टाइम, सिखाकाई, आंवला और रीठा। ये रहा रीठा, और इस तरीके का होता है इमली की सेब का, सिखाकाई और आंवला। तो आप पहचान ही लोगों, आंवला ऐसा मिलता है मतलब पहचानने में, रीठा और आंवला एक जैसे लगते हैं, लेकिन रीठे का अंदर का जो बीज होता है बहुत सख्त होता है, वो आप निकाल लीजिए, क्योंकि सिलबट्टे में नहीं पीसूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। पिछली बार जब मैंने यूज किया था तो मैंने उसमें सिलबट्टे में पीसा था, लेकिन इस बार मेरी बस की बात नहीं, मैं पीसूंगी मिक्सर में गर 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 एक ही घराक में सब, ठीक है। तो ये मैं रीठा दिखा देती हूँ, बहुत हार्ड होता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर का जो दाना है ना, वो मैं तो यही कहूंगी पहले ही निकाल लेना, वरना आपको बाद में बहुत दिक्कतें होंगी, मशीन भी खराब हो सकती है। ये देखो दोस्तों, ये है उसका दाना, ये बहुत कड़कड़ा होता है, देखो देख रहे जैसे पत्थर होगा। तो मैं ये सारा निकाल के फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है, आप बने रहो। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ये सारा डाल दिया है, और इसके ऊपर मैंने इसका जो रस बचा हुआ था वो भी डाल दिया, ताकि आराम से पिस जाए। और ये देखो, ये रीठे के दाने हैं दोस्तों, अंदर के बीज ने पहले निकाल लेना, ठीक है। चलो अब पीसते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं कैसा पिसा है। ये रहा, ये देखो दोस्तों, इसका पेस्ट कुछ ऐसा बना, ये देखो। अब हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। तो दोस्तों देखिए, पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये जो पेस्ट मैंने बनाया है, ये बहुत सारा बन गया है, आप थोड़ा कम बनाना, मुझे लग रहा है क्या पता मेरे बालों में लग ही जाए पूरा। तो मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बाल मेरे थोड़े उलझे हुए हैं, आप जब ये लगाओगे ना तो एक दिन पहले बाल धुल देना आपने, ठीक है, इसे लगाने से पहले। ऐसे उलझे रहेंगे तो फिर और ज्यादा उलझते हो, वैसे में तो थोड़ा दोस्तों। अब मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों चलो मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे कैसे करके लगाना है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको ऐसे, यार मेरे तो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, आप देखना एक स्टॉल वगैरह डाल लेना ऐसे करके, ताकि गंदे ना हो कपड़े। अब मेरे तो होने ही है, मैंने ये धोने ही है, तो होने दो।
पहले आपको अपने बाल दो भागों में ऐसे कर देने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ऐसे पीछे से साइड से एक लेयर पकड़नी है और ऐसे करके आपको लेना है थोड़ा सा ये पेस्ट जो हमने बना रखा है और इसे ऐसे करके अपने बालों में ऐसे लगाना। दोस्तों याद रखना, ये मत सोचना कि ये मेहंदी की तरह बहुत आसान होता है लगाना, इसे लगाना बहुत कठिन होता है और ये नीचे बहुत ज्यादा झड़ता है, ठीक है। तो आप थोड़ा एक लेयर पे हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें थोड़े थोड़े सारे बालों में लगाना है जड़ से लेकर। तो दोस्तों ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जड़ों में भी लगा देना है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इसे लगाना बहुत कठिन है, उससे भी कठिन है इसे धोना, तो आप लोग देख लेना। और वैसे तो जब मैं अपने बड़े बालों में कर सकती हूँ तो आप लोग अपने, अगर जिनके छोटे होंगे उनके लिए तो बहुत इजी है नहीं? ये देखो दोस्तों, एक साइड के बालों में पूरा लग चुका है, अब ए वाले साइड बाल रह गया। फाइनली दोस्तों मैंने पूरे बालों में अच्छे से लगा दिया है और ये जो लास्ट में बचे ये थोड़ा इधर जड़ों में लगा देना। देखो आप लोग देख सकते हो मैंने काफी अच्छे तरीके से लगा दिया, ये देखो मैंने पूरे बालों में लगा दिया है, ठीक है। तो फिर आप इस तरीके से अपने बालों में लगाए। अब जो आलस करेगा उसके लिए तो बहुत टफ है, टफ तो है खैर, पर जो आलस करेगा वो कभी नहीं कर सकता है। अगर बाल लंबे कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, जब हम कुछ करेंगे तभी हमें कुछ मिल सकता है, तो इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये सूखने देना है कम से कम 3-4 घंटे तक। जब ये सूख जाएगा फिर ये धोना है, असली मजा तो धोने में आता है, जब ये धुलेगा ना इतनी आफत आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पूरे बालों में लगा दिया, बाल बांध दिए क्योंकि वो नीचे झड़ रहा था इसलिए। और दोस्तों पहले तो हफ्ते में एक बार जरूर लगाना, और अगर हफ्ते में एक बार ना लगा पाओ तो महीने में 2 बार जरूर लगाना दोस्तों, तभी आपको फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि आपने एक बार लगा लिया साल भर में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप साल भर तक लगा नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगा। और दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हो मेरे बाल सूख चुके हैं और मेरे बालों को हो गया है कम से कम 2 घंटे। अब मैं जा रही हूँ दोस्तों बाल धुलने के लिए, तब धुलने के बाद दिखाती हूँ कैसे हो रखे हैं। धुलने के बाद थोड़े वो वैसे से हो जाते हैं, रुखे रुखे से, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैं नहा धो के बाल बाल सुखा लिए हैं, मैंने अगले दिन वीडियो बनाई, ये देखो मेरे बाल, ठीक है दोस्तों। तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, साइन सी आ रही ना मेरे बालों में, तो उससे थोड़ा बालों में मतलब ये होता है कि धोने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप थोड़ा सा शैम्पू कर लेना, बहुत बढ़िया हो जाएंगे बाल, ठीक है। और लगा के जरूर देखना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट है क्योंकि सारा नेचुरल चीजें हैं, कुछ भी केमिकल वगैरह नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रही कि सूट होने पे बात होती है, कई बार ऐसा होता ना कि सूट नहीं होता, तो उसके लिए आप पहले एक बार थोड़ा सा ट्राई करना, सूट होता है आपको तो आप बेझिझक तब लगा सकते हो। और जिन्हें ये सूट ना करे वो प्याज का रस लगा ले, प्याज का रस भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने लगाया था वो मैंने आपको बताया, अब वो आपकी इच्छा है आप करो या ना करो, है ना, अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बस मैंने आप लोगों ने बोला था कि बताओ बताओ तो मैंने आपके साथ शेयर किया, वैसे मैंने ये यूज किया है पहले भी इसलिए मैंने आपको बताया, और आपने देखा होगा मुझे कोई टेंशन नहीं से लगाने में, कोई नहीं। और दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फिर बोलिए बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ फिर दोबारा शेयर करूँगी ऐसी वीडियोस हेयर टिप्स पे। और अगर नहीं पसंद आई हो तो भी बोलना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब चलता है। और दोस्तों जो मैंने कड़वे तेल की बात की है, तो कड़वा तेल होता है सरसों का तेल, ठीक है, प्योर सरसों का तेल हो तो और भी बढ़िया होता है बालों के लिए, सबसे अच्छा, मैंने तो बचपन से वही लगाया है ना सरसों का तेल। तो फिर बाकी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।